जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फहद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, इस वक्त हम मौजूद हैं ओमेगा रेजिडेंशियल लाहौर में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ओमेगा रेजिडेंशिया की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा उन्हें मैं गाइड कर दूँ कि ओमेगा रेजिडेंशिया बेसिकली फैज़पुर इंटरचेंज के पास मौजूद है, जो कि शरकपुर रोड पर वाकया है। इसे आप सगियाँ पुल से भी अप्रोच कर सकते हैं, शादरा मोड़ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ठोकर से जब आप लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे लेते हैं तो रास्ते में पहला जो टोल प्लाजा आता है, राबी टोल प्लाजा आता है, उसे आप क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट साइड पे पहला इंटरचेंज है फैज़पुर इंटरचेंज। फैज़पुर इंटरचेंज से सिर्फ और सिर्फ ये 2 मिनट की मुसाफत है। अगर किलोमीटर्स में आपको बताऊँ तो आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको ओमेगा रेजिडेंशिया लाहौर मिल जाती है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम आपको ओमेगा रेजिडेंशिया के एक और वादे की तकमील के बारे में बता सकें। राइट नाउ जहां मौजूद हैं ये बेसिकली सेक्टर सी है, जहां पे आप मेरे बिहाइंड देख सकते हैं कि मशीनरी एक्टिव हो चुकी है। सोसाइटी ने एक वादा किया था कि 12 रबी अव्वल से सेक्टर सी की डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल सोसाइटी ने अपने वादे को बरकरार रखा और 12 रबी अव्वल से बाकायदा इसकी डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया गया है। तो आज की वीडियो का बनाने का मकसद भी हमारा ये था कि आपको सेक्टर सी की डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए। और अगर आप डिटेल से ओमेगा रेजिडेंशिया का एक साइट विजिट देखना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ओमेगा रेजिडेंशिया कितना डेवलप है। सेक्टर ए में मुकम्मल पोजेशन है, वहाँ पर अगर प्लॉट हासिल करना चाहते हैं तो रीसेल में मिल जाएगा। और राइट नाउ वहाँ पे जो रेट चल रहा है, आपको एक आइडिया दे देता हूँ, 7 से 8 लाख पर मरला का वहाँ पे रेट चल रहा है। लेकिन सेक्टर सी में इस वक्त जो रेट्स हैं बहुत ही रीज़नेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा मुनासिब हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला की यहाँ पर बुकिंग्स अवेलेबल हैं। 3 मरले प्लॉट की जो टोटल प्राइस है इस टाइम 8,85,000 है, जिसे आप 177,000 से बुक करवा सकते हैं। सिर्फ 1,77,000 रुपये आपने एडवांस देना और आपके प्लॉट की बुकिंग हो जाएगी। इस वक्त हम जो आपको प्राइस ऑफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पैनल से, आपको जो ऑफर की जा रही है प्राइस सिर्फ 2,95,000 पर मरला आपकी कॉस्ट है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ये रेट बढ़ चुका है, 4 लाख पर मरला हो चुका है, लेकिन फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे आप हमसे रब्ता करके प्री लॉन्च प्राइस जो कि 2,95,000 पर मरला है, जिसमें आपको 3 मरला की कॉस्ट 8,85,000 टोटल प्राइस आएगी और 1,77,000 एडवांस से आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। इसके लिए जो मज़ीद मालूम अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले हमारे कस्टमर केयर नंबर पर लाजमी रब्ता करें और फौरी फौरी अपनी बुकिंग को यकीनी बनाने के लिए कॉन्टैक्ट करें। तो जिन लोगों के ओमेगा रेजिडेंशियल लाहौर को लेके डेवलपमेंट के कंसर्न थे, वो मेरा ख्याल अब दूर हो जाने चाहिए। सेक्टर सी में इस वक्त काम जारी है, बड़ी तेज़ी से बुकिंग भी चल रही है, तो पुरानी बुकिंग पर अगर आप प्लॉट हासिल करना चाहते हैं तो फौरी फौरी हमसे रब्ता करें। और डेवलपमेंट के साथ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ओमेगा रेजिडेंशियल लाहौर को मेन शरकपुर रोड से 2nd गेट बनने जा रहा है, उसकी भी अप्रूवल मिल चुकी है। तो सेक्टर सी की डेवलपमेंट के साथ साथ ये मेन शरकपुर रोड से अपनी एंट्रेंस ले रहे हैं, जो कि अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल ऑपोजिट आएगी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको इसकी जो एंट्रेंस है मेन शरकपुर रोड से ही मिलेगी। अभी तो थोड़ा सा आना पड़ता है। सेक्टर सी की लोकेशन का जिक्र, तो जैसे ही हम सोसाइटी में एंटर होते हैं तो 150 फुट का जो मेन बुलेवार्ड है बिल्कुल स्ट्रेट आपने आना है। फर्स्ट राउंड अबाउट क्रॉस करते साथ ही आगे सेक्टर सी की लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि वाकई बड़ी प्राइम लोकेशन है जो सेक्टर ए के साथ सेक्टर सी को कनेक्ट कर रही है। तो आए चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको सेक्टर सी की डेवलपमेंट दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन बॉलीवुड पे सेक्टर सी के, जहाँ पे आप मेरे बिहाइंड देख सकते हैं कि वाजह तौर पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। ये सारा कमर्शियल एरिया है, ये 150 फुट का मेन बॉलीवुड होगा, जो कि ओमेगा रेजिडेंशिया की एंट्र से जो 150 फुट का मेन बॉलीवुड स्टार्ट हो रहा है वहीं से कनेक्ट होगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट हम आते हैं, राउंड अबाउट क्रॉस करते हैं तो सेक्टर सी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो कमर्शियल के साथ कमर्शियल अटैच होगा और कमर्शियल एरिया वो होता है कि जहाँ पर सबसे पहले पोजेशन दिया जाता है। सेक्टर सी में हमारे पास कमर्शियल प्लॉट्स की भी अवेलेबिलिटी है, जिसमें 3.11 मरला और
और 4 मरला और 5.33 मरला में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। जी तो नाजरीन, ये थी सेक्टर सी की डेवलपमेंट और जो हमारा मकसद था आज का वीडियो बनाने का, उम्मीद है मुझे वो पूरा हुआ और आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि बड़ी लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल हैं, बुकिंग्स बहुत ही कम हैं। आप फौरी हमारे कस्टमर केयर नंबर पर रब्ता करें और अपनी बुकिंग को फाइनल करें, क्योंकि अगेन मैं जिक्र करता हूँ कि प्री लॉन्च प्राइजेस पे हम आपको प्रॉपर्टी हेल्प के पैनल से ऑफर कर रहे हैं, जो कि 2,95,000 पर मरला कॉस्ट बनती है, जबकि रेट इसका 4,00,000 पर मरला हो चुका है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।